नमस्कार प्रिय बंधुओं आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में यानी शिक्षा शास्त्र के पेपर संख्या एक के बारे में पेपर संख्या एक में आपको एजुकेशनल असेसमेंट यानी कि शैक्षिक आकलन के बारे में या शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में आपको बेसिकली पढ़ना होता है ठीक है शैक्षिक मूल्यांकन का सिलेबस ऑलरेडी मैंने दे रखा है अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा बीए के फिफ्थ सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं तो एक सब्जेक्ट के आपको दो पेपर देने होंगे तो पहला पेपर आपका जो है वो शैक्षिक मूल्यांकन का है यानी एजुकेशनल असेसमेंट का है तो जानने का प्रयास हम करेंगे कि आखिरकार एजुकेशनल असेसमेंट से कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अति लघु उत्तरीय लघुतरीय लघुतरीय दीर्घ उत्तरीय जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और लगातार एक प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं पिछले एक वर्ष में जो पेपर हुआ है उसमें हालांकि इससे पहले जब सेमेस्टर प्रणाली नहीं थी उससे पहले भी एजुकेशनल असेसमेंट पेपर आपको पढ़ना पड़ता था शैक्षिक मूल्यांकन और मापन नाम से पेपर होता था बी ए थर्ड ईयर में आपको पढ़ना पड़ता था पेपर संख्या एक में ठीक है तो अब भी वो चीज़ें शामिल है लेकिन थोड़ा सा नया पैटर्न है और एक प्रकार से आ, कुछ नए चैप्टर्स भी इनक्लूड हुए हैं तो उन सभी के अकॉर्डिंग हम समझने का प्रयास करेंगे ये 2025, 26, 27, 28 सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है एजुकेशन पेपर संख्या एक है ये ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर होगा आपका इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा चूंकि इस वीडियो को देखने के बाद में कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा आपका बहुत ही हाई होगा ठीक है चले प्रश्न है आपका मूल्यांकन के उद्देश्य लिखिए मूल्यांकन का उद्देश्य बताएं मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है देखिए मूल्य का अंकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है और मापन जब किसी एक प्रकार से एक एक पैमाना होता है उस पैमाने में जब हम किसी चीज़ को मापते हैं तो वो मापन होता है यानी मापन जो होता है वो क्वांटिटी बताता है मात्रा बताता है और मूल्यांकन जो होता है महोदय वो क्वालिटी बताता है ठीक है ये बात आप ध्यान दें यानी कोई वस्तु की कितनी कीमत हो सकती है या किसी पर्टिकुलर वस्तु की क्या मूल्य है उसकी कीमत कितनी उसकी वैल्यू कितनी है ये मूल्यांकन डिसाइड करता है जबकि मापन जो होता है वह यह डिसाइड करता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में है ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे और वह कितनी मात्रा कितने रुपए का है ये मूल्यांकन होता है ये बात आप ध्यान रखेंगे तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है यानी किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके मूल्यांकन एक प्रकार से आगे बढ़ता है मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं यानी नीचे लिखे हुए हैं पहला उद्देश्य है। प्रवेश के समय प्रवेश आर्थियों प्रवेश मतलब कि कहीं पर एग्ज़ाम या कहीं पर एक प्रकार से आपको एडमिशन लेना हो उस दौरान जो प्रवेशार्थी होते हैं जो एडमिशन लेने वाले बच्चे होते हैं उनकी योग्यता का मापन करना मूल्यांकन कहलाता है उनका मापन कैसे पहले परीक्षा लेते हैं परीक्षा लेकर के इंटरव्यू वगैरह भी लिया जाता है तो एक प्रकार से उनकी योग्यता का उनकी एबिलिटी का मापन करना एक प्रकार से मूल्यांकन कह सकते हैं आप तो प्रवेश के समय प्रवेशार्थियों की योग्यता का मापन करना प्रवेशार्थियों की रुचि किस में है किन चीज़ों में उनका रुझान है ठीक है इसके अलावा इन सभी का पता लगाना और इन सब के आधार पर उन्हें प्रवेश देना कि किसी बच्चे को एक प्रकार से किस चीज़ में एडमिशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इसके लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया से उस बच्चे को गुजारना पड़ता है यानी किसी व्यक्ति को अगर कोई जॉब लेनी है या कोई किसी यूनिवर्सिटी या कहीं पर एडमिशन पाना है तो उसके लिए भी मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा ही या मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से ही उस बच्चे के एक प्रकार से रुचि रुझान और उस बच्चे की एबिलिटी योग्यता क्षमता कैपेसिटी को एक प्रकार से हम जानने का प्रयास करते हैं हैं. तो वह प्रक्रिया मूल्यांकन है तो मूल्यांकन का पहला उद्देश्य यही होगा कि इससे हम क्या करते हैं जो प्रवेशार्थी होते हैं उनकी योग्यता का मापन करने के लिए हम मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं उनकी रुचि जानने के लिए उनका रुझान जानने के लिए ठीक है और उनकी योग्यता एबिलिटी कैपेसिटी को पता लगाने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग हम करते हैं तो मूल्यांकन का पहला उद्देश्य मूल्यांकन का दूसरा उद्देश्य देखें आपको मैं बता दूं ये जो पेपर है आपका यहाँ से लगभग 50 परसेंट क्वेश्चन जो होंगे वो मापन और मूल्यांकन से रिलेटेड होंगे ठीक है किससे भैया मापन और मूल्यांकन से रिलेटेड होंगे लगभग 50 परसेंट क्वेश्चन जो होंगे और बाकी 50 परसेंट में और भी एक प्रकार से जो क्वेश्चन होंगे इधर उधर के वो आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पेपर सेट किया है मॉडल पेपर सेट किया है ये ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं अलग अलग ठीक है तो इसको लेकर के आप भ्रमित ना होए कि एक प्रकार से क्वेश्चंस एक प्रकार से हमारे में आएगा हमारे में नहीं आएगा ये सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है चूँकि नई शिक्षा नीति आई है उसने एक काम बहुत बढ़िया किया है कि सभी विश्वविद्यालयों का जो सिलेबस है वो लगभग सेम कर दिया है इस वजह से ये बड़ा फ़ायदा होता है ठीक है बच्चों को ताकि एक यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ उस यूनिवर्सिटी का पेपर आप देख पाएँ तो वो एक प्रकार से हो सकता है उसी में से दूसरे यूनिवर्सिटी में आ जाए हालाँकि शुक्ला स्टडी पॉइंट का मॉडल पेपर आप लोग देखते आ रहे हैं शुरू से ही तो आपको कुछ बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है आप मॉडल पेपर तो बहुत ही पसंद करते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट के चूँकि एक दिन दो दिन पहले आप वीडियो आकर के देखते हैं और सारा काम आपका हो जाता है चले प्रवेश के बाद उनकी बुद्धि यानी कि जब एडमिशन हो जाता है बच्चे का उसके बाद में उस बच्चे की बुद्धि और व्यक्तित्व तो का मापन करना यानी कि उसकी इंटेलिजेंस और उसका पर्सनालिटी जो होती है उसको मापने के लिए भी एक प्रकार से मूल्यांकन का सहारा लिया जाता है और इसके आधार पर उन्हें वर्ग विशेषों में विभाजित किया जाता है यानी कि उनकी बुद्धि को मापा जाता है कि भाई किसी व्यक्ति की बुद्धि कैसी है उसकी बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन कितना है उसका व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनालिटी कैसी है उसी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग एक, एक प्रकार से बच्चे को एक प्रकार से वर्गों में कई वर्गों में बांटा जाता है कि भाई ये उच्च बुद्धि वाला है ये उससे निम्न बुद्धि वाला है वो उससे निम्न बुद्धि वाला है इस तरीके से हम बाँटते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है तो इस प्रकार से एक विभाजन एक प्रकार से जो होता है इन्हीं आधारों पर करते हैं कि बुद्धि और व्यक्तित्व कैसा है बुद्धि और व्यक्तित्व के मापन के लिए मूल्यांकन का सहारा लेना बहुत ही जरूरी होता है तो उन्हें वर्ग विशेषों में विभाजित करना एक प्रकार से मूल्यांकन के द्वारा ही संभव हो पाता है बुद्धि और व्यक्तित्व के मापन के द्वारा और समय समय पर व्यक्तित्व निर्माण में सहयोग देना भी एक प्रकार से चूंकि आप एक प्रकार से टेस्ट लेते हैं कोई परीक्षा लेते हैं तो मूल्यांकन ही करते हैं अब वो टेस्ट परीक्षा जो होती कोई भी जो कॉलेज में बच्चों की परीक्षा होती है तो परीक्षा इसलिए ली जाती है ताकि एक प्रकार से बच्चे की कैटेगरी मतलब बच्चे का एक प्रकार से जो योग्यता है एबिलिटी है उसको परखा जाए उसको जाना जाए ठीक है अब जब बच्चा ये पता चलता है बच्चे को कि हमारा नंबर इतना आया तो बच्चे को पता चलता है कि हम इतने इतने पानी में हैं हम ये कर सकते हैं हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है बच्चे भी अपनी कैपेसिटी को जान पाते हैं और टीचर्स जो होते हैं वह भी यह जान पाते हैं कि कौन सा बच्चा कितना पानी में है और कितना एक प्रकार से टैलेंटेड है ठीक है तो इस दृष्टि से भी एक प्रकार से मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है इसके अलावा समय समय पर छात्रों पर शिक्षण के प्रभाव यानी शैक्षिक उपलब्धियों अथवा व्यवहार परिवर्तन का पता लगाना और उसके आधार पर छात्रों का मार्गदर्शन करना उन्हें सीखने के लिए अभिप्रेरित यानी मोटिवेट करना उन्हें अधिगम के लिए ताकि वो अलग अलग चीज़ों को जान पाएँ समय समय पर बच्चों की एक प्रकार से योग्यता और बच्चों का रुझान और रुचि का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है ज़रूरी इसलिए होता है चूँकि कि किस बच्चे का एक प्रकार से आ, किस क्षेत्र में रुझान ज़्यादा हो रहा है हो सकता है व्यापारिक दृष्टिकोण का बच्चा हो पॉइंट ऑफ व्यू उसका अलग हो सकता है वो डॉक्टर बनना चाह रहा हो वो इंजीनियर बनना चाह रहा हो इसलिए समय समय पर बच्चे का मूल्यांकन करना बहुत ही ज़रूरी होता है चूंकि जब हम बच्चे का मूल्यांकन एक प्रकार से समय समय पर करते हैं तो बच्चों की रुचि रुझान और उनकी कैपेसिटी योग्यता एबिलिटी इन सभी का पता हम एक प्रकार से लगा पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी योग्यता और उनकी कैपेसिटी उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उनको एक प्रकार से दिशा देते हैं उनको प्रेरित करते हैं मोटिवेट करते हैं कि बेटा तुम इस दिशा में जाओ चूंकि तुम्हारे अंदर यह क्वालिटी है तो उनकी क्वालिटी को एक प्रकार से पता लगाने के लिए मूल्यांकन का सहारा हमको लेना पड़ता है ठीक है यह बात आप ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं तो यह चौथा उद्देश्य हो गया चौथा मतलब तीसरा उद्देश्य चौथा उद्देश्य आप देखें चौथा उद्देश्य है महोदय चौथा उद्देश्य शैक्षिक सत्र के अंत में विद्यार्थियों को उपलब्धि परीक्षा के आधार पर उपलब्धि परीक्षा मतलब क्या क्या होता है कि भाई बच्चे ने अभी तक ये नहीं एक साल बच्चे ने क्या पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसने क्या हासिल किया उसी हासिल को जानने के लिए उपलब्धि परीक्षण नाम का एक टेस्ट होता है ठीक है आपने क्या हासिल किया उसको जानने के लिए जैसे कि आपने खूब पढ़ाई एक साल पढ़ाई करी उसके बाद में आपकी परीक्षा होती है टीचर ये जानने का प्रयास करता है कि आपने क्या पढ़ा कितना आपको पता चला क्या आपने जाना ठीक है तो इसकी योग्यता का पता लगाना भी एक प्रकार से मूल्यांकन होता है और इसी के आधार पर बच्चे को उत्तीर्ण उत्तीर्ण यानी पास किया जाता है अनुत्तीर्ण यानी फेल किया जाता है और उसको श्रेणी प्रदान की जाती है कि कौन सा बच्चा कितने का फर्स्ट श्रेणी में का है या सेकेंड श्रेणी पाया है या थर्ड श्रेणी पाया है फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन थर्ड डिवीजन इस तरीके से बच्चे की कड़गरी डिसाइड करते हैं अगर बच्चा उत्तीर्ण है तो उसको कच्छोन्नति मिलती है कच्छोन्नति मतलब होता है जैसे कक्षा एक में था तो कक्षा दुई में उसको एक प्रकार से प्रोन्नत कर दिया जाता है प्रमोट कर दिया जाता है ठीक है कक्षा दो में था तो चार में मतलब कि चार में चार से पाँच में इस तरीके से बच्चे को एक प्रकार से कक्षोन्नति मिलती है अगर जो बच्चे फेल हो जाते हैं यानी जो हो जाते हैं उनको एक प्रकार से मतलब वो उसी दर्जे में फिर से पढ़ते हैं और दोबारा से एग्जाम देते हैं और फिर पास होते हैं हालांकि बी वगैरह में नई शिक्षा नीति के द्वारा यह नियम लगा दिया गया कि मान लेते हैं आप एक आध विषय में लटक जाते हैं फेल हो जाते हैं किन्हीं कारणों के बस में तो उसका पेपर आप बैक डाल सकते हैं और दोबारा से प्रकार से आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा आप दूसरे सेमेस्टर की तैयारी करें दूसरे सेमेस्टर में आप पहुँच गए और उस दूसरे सेमेस्टर के दौरान आप बैक पेपर का परीक्षा एक प्रकार से फॉर्म जब भरा जाएगा तो उस दौरान डाल दीजिएगा उसके बाद में आपके उसी के साथ दूसरी आप एक सब्जेक्ट में फेल हुए थे उससे पहले वाले सेमेस्टर में उसकी परीक्षा उसी के साथ हो जाती है तो ये शिक्षा नीति बड़ी जबरदस्त आई है मेरे हिसाब से और उसके बाद में जब बच्चे उत्तीर्ण होते तो उनको प्रमाण पत्र एक मार्कशीट दी जाती है ठीक है कि भाई तुम एक प्रकार से इतने नंबर पाए हो तो उनके मार्क्स उस पर लिखे रहते हैं ठीक है तो कहीं कही ना कहीं पर उनको प्राउड होता है बच्चों को कि हाँ हमने एक प्रकार से दर्जा पास किया और जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको ग्लानी होती है कि हमने फेल मतलब हम फेल हो गए हमारे साथी सब पास हो गए तो <coughs> सॉरी तो दोबारा से वो लगा करके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं प्रारंभ कर देते हैं ठीक है ये चीज़ें ध्यान रखेंगे इसके अलावा पाँचवा पॉइंट है सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्रों की बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस रुचि ठीक है रुझान और एबिलिटी यानी योग्यता का पता लगाना और उसके आधार पर उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देना कि कौन सा बच्चा किस दिशा में जा रहा है उसकी बुद्धि कैसी है उसकी रुचि कैसी है उसका रुझान कैसा है उसकी योग्यता बच्चे के अंदर कितनी है कितनी एबिलिटी है कितनी कैपेसिटी है जब ये चीज़ें हम टीचर्स लोग जान पाते हैं तो उस बच्चे को ये बताते हैं कि आपका जो एक प्रकार से रुझान है या रुचि है ये फलाने क्षेत्र में है तो आप फला क्षेत्र में एक प्रकार से आगे बढ़ें फला क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको ये ये कोर्स करना पड़ेगा ये ये पढ़ाई करनी पड़ेगी ऐसे ऐसे आपको मेहनत करने पड़ेगा इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं तो ये एक प्रकार से तभी संभव हो पाता है जब हम मूल्यांकन के द्वारा उनके रुझान को उनके एक प्रकार से रुचि को उनकी बुद्धि को उनके योग्यता को ये सब हम जान पाते हैं तो एक प्रकार से हम उन्हें शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन देते हैं उनको हम डायरेक्शन देते हैं कि आप बेटा बाबू आप इस दिशा में जाएंगे तो आपको एक प्रकार से प्रोन्नति मिलेगी आप आगे बढ़ेंगे आप प्रमोट होंगे आप ऊंचाइयों को छुएंगे आप एक प्रकार से बहुत आगे बढ़ेंगे ठीक है लेकिन अगर हम किसी बच्चे को ज़बरदस्ती केवल उसके पिताजी चाहते हैं कि वो बच्चा डी बनेगा एस बनेगा उसके माता चाहती हैं कि वो वो बच्चा डॉक्टर बनेगा या एक प्रकार से इंजीनियर बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है बच्चे की रुचि और रुझान जो होता है वो एक से खुद डिसाइड करता है या उसकी योग्यता एबिलिटी और उसकी जानकारी और उसकी उसका रुझान रुचि कैपेसिटी को जानने के बाद में ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा बच्चा किस लायक है ठीक है यानी कौन व्यक्ति कितने पानी में है आप ये तब जान पाएंगे जब उस व्यक्ति के बारे में उसकी आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का मूल्यांकन जब आप कर लेंगे तब उस बच्चे के आप बारे में आप जान पाएंगे कि ये बच्चा वास्तव में है किस लायक ठीक है ये बात आप ध्यान रखें इसीलिए मूल्यांकन जो होता है वो व्यक्तित्व निर्माण में भी बहुत ही उपयोगी होता है ये बात आप ध्यान रखेंगे तो ये एक प्रकार से आपका प्रश्न है जो कि पिछले वर्ष परीक्षा में कई विश्वविद्यालयों में पूछा जाने वाला प्रश्न है तो इस प्रश्न का मैंने आपको बता दिया शैक्षिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है ठीक है तो ये बहुत ही बारीकी के साथ मैंने समझाया है कोई इसमें डाउट आपका बचा नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए महोदय और आप लोग बहुत ही एक प्रकार से इस समय कम पढ़ रहे हैं तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेहनत करके थोड़ा सा पढ़ लें अपने सभी दोस्तों को जो सोए हुए हैं जो एक प्रकार से अभी सोच रहे हैं कि बीए की परीक्षा नहीं तैयारी करनी है तो प्लीज़ तैयारी कर लो यार पढ़ लो थोड़ा सा ठीक है वीडियो को शेयर करते रहिए हम लोग भी एक प्रकार से अगर मेहनत करते हैं आपके लिए तो थोड़ी सी मेहनत आपको करना चाहिए कि भाई अगर कोई व्यक्ति इतनी मेहनत से हमारे लिए क्लास ले रहा है तो आप परीक्षा के अंतिम दौरान में आते हैं कहते हैं कि ये गुरु दे दीजिए वो गुरु दे दीजिए तो उस दौरान गुरु भी अकेले हैं कितनी मेहनत करेंगे आपके लिए तो इसलिए पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि एक प्रकार से आप जब शुरुआत से ही पढ़े रहेंगे मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आपकी रहेगी तो तहलका मचा देंगे आप अपनी परीक्षा में चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दूसरा नंबर क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है लघु उत्तरीय अति दीर्घ उत्तरीय सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ठीक है शैक्षिक मापन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या शैक्षिक मापन शैक्षिक मापन एक प्रकार से यानी कि एजुकेशनल मेजरमेंट बोलते हैं और असेसमेंट या एक प्रकार से एवेल्यूशन बोलते हैं मूल्यांकन को ठीक है एवेल्यूशन मूल्यांकन वो दूसरा टाइप का मूल्यांकन असेसमेंट टाइप का जो मूल्यांकन है वो शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा प्रयोग होता है इसीलिए यहाँ पर एवेल्यूशन शब्द का प्रयोग ना करके असेसमेंट शब्द का प्रयोग विद्वानों ने किया प्रोफेसर्स लोगों ने किया तो बड़े विद्वान प्रोफेसर्स थे उन्होंने एक प्रकार से निर्णय लिया तो वो बढ़िया बात है तो शैक्षिक मापन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक प्रकार से शैक्षिक मापन की प्रमुख विशेषताओं में कई सारी विशेषताएं हमारे समक्ष आती हैं जिनमें पहली विशेषता है शैक्षिक मापन जो होता है वो आंकिक होता है आंकिक का मतलब क्या होता है जैसे एक लीटर दूध दो लीटर दूध ठीक है या एक प्रकार से उसकी मात्रा को बताता है क्वालिटी को नहीं बताता है ये एक प्रकार से क्वांटिटी को बताता है यानी कि मापन जो होता है वो मात्रात्मक एक प्रकार से होता है यानी कि मात्रा को बताता है कि चार किताब दस किताब एक किलोमीटर दो किलोमीटर यानी एक अंक इसके लिए डिसाइड होता है एक किलोग्राम दो किलोग्राम पाँच किलोग्राम ठीक है ये एक प्रकार से अंकिक होता है मापन की एक यूनिट होती है उसी यूनिट को एक प्रकार से उसके अकॉर्डिंग एक प्रकार से बताया जाता है कि कोई चीजें कितनी एक प्रकार से आंकिक हैं। तो शैक्षिक मापन क्या होता है आंकिक होता है पहली विशेषता यानी कि शैक्षिक मापन का संबंध अंकों से होता है अथवा इसको मापन कहा जा कहा मतलब कहा ही नहीं जा सकता शैक्षिक मापन के उपयोग से ही अंकों मानकों औसत आदि की प्राप्ति होती है यानी कि एक प्रकार से जो अंक होते हैं मानक होते हैं औसत वगैरह एवरेज वगैरह है ये सब शैक्षिक मापन के द्वारा ही हमको मिल पाते हैं तो पहली विशेषता कि शैक्षिक मापन आंकिक होता है ठीक है दूसरी बात मापन की इकाइयों में अभिव्यक्ति होती इकाई मतलब कि इसके यूनिट बने हुए हो होते हैं कि भाई एक लीटर का पैमाना होता है उसी में एक लीटर दूध या पानी आप नापते हैं तेल नापते हैं ठीक है ठीके? तो मापन की इकाइयों में अभिव्यक्ति होती है शिक्षा के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन के लिए वास्तविक प्राप्त अंकों को किसी समान आधार पर व्युत्पन्न फलांकों में परिवर्तित कर लेते हैं प्रमाणित मतलब कि प्रमाणित मतलब कि प्रमापित फलांक तथा टी फलांक इसके उदाहरण आपको देख सकते कुल मिलाकर के इसका मतलब ये है कि भाई अभिव्यक्ति इनकी इकाइयों में होती है कि भाई इसको एक नंबरिंग हो जाती है इकाई होती है उस यू, उसी यूनिट के अकॉर्डिंग प्रकार से इसका मापन में तात्पर्य होता है अगली विशेषता कि शैक्षिक मापन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है ठीक है शैक्षिक मापन में निरपेक्ष रूप से मापन नहीं किया जाता है इसमें एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जाता ठीक है आगे देखते हैं मूल्यांकन के बारे में थोड़ा सा और जाने मूल्यांकन का एक प्रकार से अर्थ लिखिए मूल्यांकन का क्या अर्थ है फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे देखें मूल्यांकन का अर्थ तीसरा नंबर क्वेश्चन मूल्यांकन का अर्थ लिखिए मूल्यांकन सीखने के साथ साथ निरंतर चलने वाली उस व्यापक प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षा के मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं तथा शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक आदि के सर्वांगीण विकास व संपूर्ण व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण के साथ साथ शिक्षा के अन्य सभी पहलुओं तथा उन्हें क्रियान्वित रूप देने में एक प्रकार से छात्रों के द्वारा उनके ज्ञान उनके व्यवहार में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उन सबकी विभिन्न मानदंडों के आधार पर विभिन्न प्राविधियों के द्वारा निरंतर जाँच पड़ताल मापन व्याख्या आदि किया जाना ही मूल्यांकन कहलाता है कुल मिलाकर के मूल्यांकन जो होता है वो सीखने के साथ साथ निरंतर चलने वाली एक व्यापक प्रक्रिया होती है एक बड़ी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है शिक्षा के मुख्य उद्देश्य शामिल होते हैं छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू शामिल होते हैं जैसे शारीरिक पहलू शारीरिक विकास मानसिक विकास संवेगात्मक विकास ठीक है ये सब विकास भी मूल्यांकन के अंतर्गत ही होता है ठीक है यानी कि इसमें अधिगम की इम्पोर्टेंट होती है अधिगम कितना आपने सीखा कब कब कितना सीखा कैसे सीखा उसका क्या उपयोग है तो सर्वांगीण विकास व संपूर्ण व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण के साथ साथ शिक्षा के अन्य सभी पहलुओं तथा तो उन्हें क्रियान्वित रूप देने में छात्रों के द्वारा उनके ज्ञान उनके व्यवहार में जो परिवर्तन बच्चों में आता रहता है वही एक प्रकार से मूल्यांकन के द्वारा ही होता है उन सभी परिवर्तन को ही जानना है परिवर्तन को जानना कि एक प्रकार से कितना परिवर्तन किस बच्चे में हुआ है उसी की जाँच पड़ताल करना उनका मापन व्याख्या करना यही मूल्यांकन होता है ठीक है मूल्यांकन एक समावेशित धारणा होती है जो कि इच्छित परिणामों के गुण महत्व और प्रभावशीलता का निर्माण करने के लिए समस्त प्रकार के जो कोशिश या प्रयास होते हैं और जो संसाधन होते हैं या साधन होते हैं उनकी ओर संकेत करता है यह वस्तुगत प्रमाण तथा आत्मगत निरीक्षण का मिश्रण होता है यानी कि वस्तुगत प्रमाण और आत्मगत निरीक्षण ये एक प्रकार से यानी कि भौतिक और अभौतिक दोनों टाइप का मिश्रण होता है ठीक है इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी भी दोनों शामिल हो सकती हैं ठीक है थीके? ये बात आप ध्यान रखेंगे इसीलिए गुणात्मक परिवर्तन एक होता है और एक होता है मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन वस्तुगत प्रमाण से संबंधित होता है और मात्रात्मक परिवर्तन आत्मगत प्रमाण से रिलेटेड होता है ठीक है तो इन दोनों का मिश्रण होता है मूल्यांकन ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे मूल्यांकन ठीक है हालांकि आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं अगला क्वेश्चन आ चुका है तो मूल्यांकन आपने समझ लिया थोड़ा सा समझें कि एक प्रकार से ये गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन क्या होता है प्रश्न संख्या चार आपकी स्क्रीन पर आ चुका गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन में अंतर स्पष्ट कीजिए गुणात्मक और मात्रात्मक मापन में अंतर क्या अंतर है भैया गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन में देखिए गुणात्मक मापन जो होता है उसकी अगर बात किया तो ये होता है क्वालिटी या बताने वाला मापन और एक होता है क्वांटिटी बताने वाला मापन तो उधर है गुणात्मक मापन का आधार प्रायः मानदंड होते हैं मानदंड मतलब होता है कि कोई रूल्स कोई नियम या नॉर्म्स कुछ होते हैं ठीक है रेगुलेशंस वगैरह वो सब दूसरा मापन का आधार सदैव इकाई अंक होते हैं यानी ये अंकों में डिसाइड होते हैं कि इतना दो चार दस पाँच ठीक है ये सब और इसमें मानदंड रूल्स होते हैं जिसमें कोई क्वालिटी मतलब क्वालिटी में थोड़ा सा चेंजमेंट होगा दूसरा अंतर गुणात्मक मापन के मानदंड प्रायः सर्वमान्य नहीं होते यानी कि हमेशा ये मान्य नहीं होते कुछ स्थितियों में ही मान्य होते हैं जबकि मात्रात्मक मापन के इकाई अंक जो होते हैं सर्वमान्य होते हैं हमेशा नहीं एक लीटर पानी तोलो चाहे एक लीटर दूध तोलो चाहे एक लीटर तेल तोलो सब एक प्रकार से एक ही साँचे में एक ही लीटर का पैमाना होता है उसी में से एक प्रकार से मापन किया जाता है ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे इसके अलावा गुणात्मक मापन में शून्य की स्थिति नहीं होती किसमें गुणात्मक मापन में शून्य की स्थिति नहीं होती है ठीक है मात्रात्मक मापन का आधार ही शून्य से शुरू होता है ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे इसके अलावा अगला अंतर ये आ, आ, आ गया है देखिए गुणात्मक मापन कभी भी अपने पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता है ठीक है किसमें गुणात्मक मापन जो होता है कभी भी अपने पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता जबकि जो मात्रात्मक मापन होता है महोदय ये एक प्रकार से अपने मतलब उसके अपने पूर्ण रूप में किया जा सकता है तो इस तरीके से जो क्वालिटी मतलब गुणात्मक मापन होता है ये अपने पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता और ये मात्रात्मक मापन अपने पूर्ण रूप में ही किया जाता है तो इस तरीके से अपने मूल्यांकन के मतलब मापन के दो मापन एक प्रकार से मात्रात्मक और जो है मात्रात्मक और कौन सा मापन था गुणात्मक मापन में अंतर देख लिया यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में अगला क्वेश्चन आ चुका है मापन और मूल्यांकन में क्या डिफरेंस है ये भी प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा गया है इसको बताएं भाई सभी लोग बताने का प्रयास करें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको बताने का प्रयास करें फटाफट भाट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा ऐसे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं और ये सब क्वेश्चन आंसर आपकी परीक्षा में आने वाले हैं ध्यान से इनको आप दो तीन बार वीडियो को देख लीजिएगा दो बार ठीक है कम से कम दो बार चले शेयर करते रहिएगा सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा ठीक है चलिए तो मापन और मूल्यांकन मैंने कहा था कि लगभग फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन यहीं से आएंगे इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को रखा है और ये प्रश्न पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए मापन मापन में गणना का कार्य अंकों के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है भैया गणना का अंक जो होता है अंकों के द्वारा मापन में होता है इसमें आंकिक होता है मापन जबकि जो मूल्यांकन होता है इसका कार्य गुणों का आकलन करना होता है गुड़ों को मापना होता है गुणों को आंकना होता है कि क्वालिटी कितनी है ठीक है जैसे कि आपने देखा कि एक किलो चीनी एक प्रकार से एक किलो चीनी कितनी होगी तो एक किलो का एक एक बाँट होता है उसको आपने मापा एक किलो चीनी आपने मापा कि इतनी चीनी एक किलो होती है आपने एक, एक किलो वाले बाट से माप लिया लेकिन वो एक किलो चीनी कितने रुपए की है ये डिसाइड करना ही मूल्यांकन होता है ठीक है एक किलो चीनी कितने रुपए की है यही डिसाइड करना क्या होता है मूल्यांकन होता है यानी कि इतनी चीनी की क्वालिटी जो है उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि ये चीनी चालीस रुपये की है तो चालीस रुपये की है इसी को आंकना मूल्य मूल्य माने होता है बैल्यू बैल्यू को आंकना यानी कि इस पर्टिकुलर वस्तु की या इतने वस्तु की एक किलो चीनी की कितना मूल्य है कितना एक प्रकार से इसका एक बैल्यू है उसी को आंकना ही मूल्यांकन कहलाता है जबकि इतनी चीनी ही एक किलो है ये बताना मापन का काम होता है ठीक है दूसरा अंतर इसमें किसी विशेष गुण का ही मापन किया जाता है यानी कि इसमें एक प्रकार से मापन में कोई विशेष क्वालिटी होती है उसका ही मापन किया जाता है सभी का नहीं जबकि मूल्यांकन में क्या होता है सभी क्वालिटियों का या सभी गुणों का मापन किया जाता है इसके अलावा मापन की अगर बात की तो इसके परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं मापन में एक प्रकार से इफ बट कुछ नहीं होता है यानी या तो आर या तो पार या तो आए आम या तो जाए लबेदा ठीक है समझा तो एक कहावत चलती हम लोगों के यहाँ पे बचपन में हम लोग जब जो है आम की अमियाँ लगती थी ठीक है तो अमिया तोड़ने के लिए अमिया समझ रहे हैं ना छोटे छोटे आम या टिकोरा जिसको कहते हैं तो उसको तोड़ने के लिए हम लोग छोटे जब थे तो उसी दोपहरिया में एकदम से डंडा लेकर के जिसको डंडा होता है इतना लंबा लंबा वो उसको बोलते हैं लबेदा लबेदा मतलब इतने एक एक हाथ का डंडा होता है उसी को लबेदा बोलते हैं गाँव में तो वही लबेदा लेकर के हम लोग जो है लबेदा और ढेरा लेकर के किसी के किसी का भी आम होता था तो आम तोड़ने के लिए और घर से मिर्चा हुआ नोन जोन रहता रहा वह बुकवा ले जाता रहा लोड़ा यापन भूख ले जाता रहा मम्मी से कहा सभी कि माता जी जो है नून तुक दे नून मानी नमक नमक और मिर्चा और लहसुन बढ़िया खूद के वक्का पीस दियो लोढ़ा से पे के अब तो मिक्सी चली गई ही लेकिन पहले लोढ़ा होत रहा तो वही लोढ़ा से जब सिल पे बढ़िया नून पीस लीन जाए वह नून पन्नी में बांध के पन्नी मानी पालीथीन पालीथीन में बांधिके और वह ले जावा दोपहर में छा सात आठ मित्र के टोली रहे सबके सब साथे जावा जाए तो फिर दुई जने खड़िया दिन जाए इधर दू जन का रोड पर यहाँ देखो कि क्यों आवत जैसे क्यों आए तैसे कर करबो पू ऐसे एक बार इशारा कर दोगे या थोड़ा सा आवाज़ निकालोगे ऐसे ऐसे दो तीन चार एरिया में दो तीन चार लोग केवल ये करते थे निगरानी कोई या तो नहीं रहा है अब अच्छा ये होता था चाहे हमारे पेड़ व कमा हुआ यानी हमारे पिताजी का ही पेड़ है हमारा ही पेड़ है तो अपने पेड़ में से भी तोड़ते थे हम लोग और तुम्हारे दो, दोस्त के पिताजी का तो उसका यानी सभी का गांव के सभी बच्चे होते थे तो सभी का पेड़ होता था कहीं ना कहीं पे तो एक दिन हमरे में एक दिन तोहरे में इस तरीके से तोड़ने आते थे और सभी रखाते भी थे कि कोई देख ना ले ठीक है हमारे पापा ना आ जाए ये ना आ जाए तोड़ देते थे तो ऐसे होता था ठीक है तो हम लोग रखाते थे जो है जब जाते थे तोड़ने के लिए तो वहीं पर जब आम पर बढ़िया से ऐसे होता था लबेदा तो उससे इसे खींच के बढ़िया मारते थे तो जा करके झोप आम में जब झोप्प गए आम के जो आम का गुच्छा होता है उसी को झोप्पा कहते हैं हम लोग अवधि में तो जब उसपे लगता था तो वो आम बढ़िया गिर गिरने लगता था तो आम हम लोग उठाते थे छोटे छोटे आम होते थे या चढ़ जाते हैं फटाफट -पट से तोड़ के भर भराट ऊपर तक का चला जाते रहे जब से गिरें दो तीन चक्कर तब से नहीं ही हाँ आज तक पेड़ पैद तो फिर क्या होता है कि चढ़ करके हम लोग तोड़ लेते थे तो वही होता है कि भाई आपने लबेदा मारा ऊपर अब ये लबेदा जो है गया ऊपर लेकिन अब ये आम के गुच्छा पर नहीं लगा तो ये एक प्रकार या तो लगेगा आम के गुच्छे पर अगर लगेगा तो गिर आएगा अगर नहीं लगेगा तो बाहर निकल गया ठीक है यानी लाग लपेट की कोई बात नहीं है जो जो है सो फाइनल है सीधा सीधा तो यही लिए हमने कहा कि या तो आए या मैं तो जाए लबेदा तो मापन जो होता है ये वस्तुनिष्ठ होता है यानी कि जो है वो है जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स आपने दिए होंगे उसमें यह था कि भाई या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन बी सही होगा या सी या डी चारों में से कोई एक ही सही होगा ठीक है लाग लपेट कुछ नहीं होगा ऐसे ही मापन होता है या तो एक किलो दो किलो मतलब एकदम से फिट होता है उसमें कोई लाग लपेट नहीं होती जबकि मूल्यांकन जो होता है इसके परिणाम विषयगत होते हैं विषय का मतलब क्या होता है इसमें एक प्रकार से कभी कभी ये थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम जैसे सब्जेक्टिव टाइप का होता है यानी कि सब्जेक्टिव होता है ये वस्तुनिष्ठ होता है और ये विषयगत यानी सब्जेक्टिव होता है ठीक है आत्मनिष्ठ हो सकता है कहने का मतलब ये है कि जैसे कि क्वालिटी जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं में ज़्यादा नंबर पा जाएंगे फेल भी बहुत जल्दी हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में लेकिन जो सब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो रही है अब की बार लिखित वाली इसमें एक प्रकार से दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा कैसे चूंकि जब आप एक प्रकार से लिख रहे होंगे तो आपका दस नंबर का क्वेश्चन है आपने पूरा अच्छे से लिखा तब भी आपको सात से आठ नंबर ही दिए जाएंगे दस नंबर की आशा आप मत करना कि हमने खूब अच्छे लिखा है हमने यूपीएससी लेवल का लिखा तो हमको दस में दसों मिल जाएगा ना ऐसे नहीं होगा आप अगर कितना भी लिख दोगे बीए में तो लगभग सात से आठ नंबर आपको दिए जाएंगे अधिकतम और कम से कम चार पाँच नंबर कुछ भी लिखे हैं तब भी चार पाँच नंबर दे देते हैं यानी इसमें क्या है लिखित टाइप की परीक्षाओं में बहुत कम व्यक्ति फेल होते हैं अगर आपकी कॉपी लिखी है तो आपको पास कर दिया जाता है अगर एक प्रकार से कॉपी नहीं लिखी है तो आप फेल हो जाओगे तो ये एक प्रकार से इसमें फ़ायदा है लिखित टाइप की परीक्षा में क्या फायदा है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई डोंट माइंड मतलब इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है अगर नहीं भी आ रहा है थोड़ा बहुत भी उस टॉपिक के बारे में आपने कभी पढ़ा है सुना है शुक्ला सर ने कुछ बताया उसको आपने सुना है तो बस आप उसको लिखते चले जाइए बस ये रहे कि दीर्घत्री है तो थोड़ा सा दो तीन चार पेज में लिखा रहे तो दस नंबर का क्वेश्चन है तो आपको चार नंबर तीन नंबर तो वैसे ही एग्जाम दे देगा ठीक है थोड़ा सा अच्छा लिख देंगे तो चार पांच नंबर मतलब पांच नंबर मिल जाएगा लेकिन अगर आपने बहुत ही अच्छा लिखा तभी आठ नंबर से ऊपर आपको नहीं मिलने वाला तो उसको लेकर के टेंशनाइज मत होइएगा कि अब बार हमारा नंबर कम आया ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करें मतलब पांचवा नंबर मतलब पांचवा पॉइंट ये है मापन और मूल्यांकन में अंतर कि मापन जो होता है ऐसे परीक्षणों का या ऐसे एक प्रकार से परीक्षणों का प्रयोग होता है जिसमें प्राप्त परि सदैव एक ही रहते हैं मतलब इसमें क्या होता है आज मापोगे एक लीटर तेल तो आज भी उतना ही रहेगा और दस दिन बाद मापोगे या दस साल बाद मापोगे तब भी एक लीटर का पैमाना जो है उसी के अकॉर्डिंग यानी कि ये हमेशा परिवर्तित नहीं होने वाला सदैव समान रहने वाला है ठीक है परिणाम इसका जबकि मूल्यांकन में आत्मगत विधियों जैसे कि साक्षात्कार निरीक्षण प्रश्नावली इन सभी का प्रयोग होता है इस इसलिए एक प्रकार से इसमें चेंजमेंट आता है ठीक है ये बात ध्यान रखें कभी चीनी चालीस रुपए किलो होगी कभी तीस रुपए किलो होगी कभी बत्तीस रुपए किलो कभी छत्तीस रुपए किलो ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं फटाफट से आप लोग देखिएगा वीडियो को चलें प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई प्रश्न आपका आ चुका है मूल्यांकन के गुण लिखिए मूल्यांकन की क्वालिटी बताएं देखिए मूल्यांकन के गुण निम्नलिखित हैं कौन कौन से गुण हैं देखिए पहली बात मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन देने में सुविधा होती है मूल्यांकन की क्वालिटी क्या है सबसे पहली बात मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन यानी व्यक्ति की क्वालिटी क्या है उसको बता सकते हैं व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता क्या है उसको बताने में सहयोगी होता है और व्यक्ति का व्यवसायिक एक प्रकार से रुझान किस तरफ है इसको भी आप बता सकते हैं कि बच्चा एक प्रकार से किस एक प्रकार से नौकरी की तलाश में है किस

क्षमता और एक प्रकार से आपको तर्क शक्ति के बारे में पढ़ना है रीजनिंग के बारे में पूरा मतलब कि विश्लेषण क्षमता यानी रीजनिंग हो गई इसके बारे में और कंप्यूटर जागरूकता के बारे में पढ़ना है ठीक है डिजिटल अवेयरनेस के बारे में आपको जानना है ठीक है यानी कि आपको एनआरटी कबर्टी एंड डिजिटल लिवर्नस पढ़ना है तो इसका मॉडल पेपर जो है वो लगातार मैं देता रहूँगा उसको लेकर के आप परेशान ना हो तो इसके मॉडल पेपर की जो पीडीएफ होगी वो भी पीडीएफ और जो दो सब्जेक्ट आपके होंगे फिफ्थ सेमेस्टर में उनकी भी पीडीएफ नोट्स जो भी बनेंगे या जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ शिक्षा शास्त्र का ये पेपर वन है अभी पेपर वन की जो वीडियो आप देख रहे हैं लिखा हुआ मिल रहा है ये पी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी पी आपको मिल जाएगी कैसे मिलेगी इसके लिए एक प्रकार से आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे पी वगैरह को लेकर के तो मैंने पी के लिए एक विशेष ग्रुप बनाया है व्हाट्सअप पर तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना पड़ेगा ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप से आपको करना कुछ नहीं है बस एस कर देना हमारे पास इक्यानबे इकसठ तिरानब्बे साठ बासठ पर इस पर आपको ऐसमएस करना कि सर जी हमको फिफ्थ सेमेस्टर में हम हैं हमारा नाम ये है हम इस यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं हमारे ये सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट तो आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस होगा ही बाकी दो सब्जेक्ट आपके जो हों वो आप बता दीजिएगा ठीक है आपको एक प्रकार से क्या किया जाएगा ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा आपको एक प्रकार से इसके लिए मात्र और मात्र हंड्रेड पे करने होंगे सौ में एक प्रकार से आपके दोनों सब्जेक्ट और एक प्रकार से को करिकुलर सब्जेक्ट की पी वगैरह मॉडल पेपर वीडियो लेक्चर्स महासंग्राम संग्राम रिविजन क्लास ये सब आपको मिलती रहेगी तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मॉडल पेपर ऐसे तमाम प्रकार के मैं देता रहूंगा जिससे आपकी तैयारी विधौत होती रहेगी ठीक है तो मात्र हंड्रेड रुपीज में आप एक प्रकार से इन इन सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह आप प्राप्त कर पाएंगे जिनमें एक प्रकार से आपके बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर्स होंगे और कुछ चैप्टर्स जो होंगे या पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी मैं देने का प्रयास आपको यहां पर करूँगा तो यानी कि मात्र सौ में आपकी तैयारी होने वाली है ठीक है और बाकी अगर आप मतलब कि नहीं पढ़ना चाहते हैं सौ नहीं देना चाहते पी नहीं प्राप्त करना चाहते तो आप यूट्यूब पर ही पढ़ेंगे यूट्यूब पर भी क्लासेस आपकी होती रहेंगी यानी यूट्यूब पर क्लास आपकी होती रहेगी उसको लेकर के परेशान ना हो कि यूट्यूब पर गुरु क्लास नहीं लेंगे यूट्यूब पर डेली मैं दो तीन क्लास ले लेता हूँ ठीक है अकेले हूँ लेकिन डेली दो तीन क्लास आपके लिए मैं व्यवस्थित करता हूँ किसी भी तरीके से ठीक है ऐसा नहीं तो लेकिन अगर आपको पी वगैरह प्राप्त करनी है तो आपको मात्र हंड्रेड रुपये पे करने होंगे और ये आप लोगों के कमेंट आए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ ठीक है और सौ रुपये आजकल तो सभी के पास होंगे ठीक है इसीलिए एक प्रकार से इतना कम पैसा रखा गया ताकि आप सभी लोग उसको एफर्ट कर सके और सभी लोग ले सके ठीक है धन्यवाद चले तो मूल्यांकन का गुण क्या है दूसरा क्वालिटी क्या है मूल्यांकन की देखें दूसरी क्वालिटी या विशेषताएं मूल्यांकन की ये हैं कि छात्रों की विशिष्ट योग्यताओं छात्रों की क्षमताओं और कमजोरियों का भी ज्ञान मूल्यांकन के द्वारा होता है जब मूल्यांकन किया आता है बच्चों का टेस्ट लिया जाता है बच्चों का एक प्रकार से ठीक है परीक्षण किया आता है बच्चों का एग्जाम लिया जाता है तो उसमें बच्चों की क्या योग्यता है उनकी एबिलिटी उनकी क्षमता यानी कैपेसिटी और उनकी कमजोरी यानी उनकी एक प्रकार से जो कमजोरियाँ हैं बच्चों की कहाँ पर उनका वीक पॉइंट है बच्चों का वो भी हम जान पाते हैं और उस वीक पॉइंट पर काम करना प्रारंभ कर देते हैं यानी जब हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं तो आपके कमेंट्स के पढ़ने के बाद में हम एक प्रकार से यह जान पाते हैं कि आप एक प्रकार से कौन से में ज्यादा एक प्रकार से कठिनाई का अनुभव करते हैं कौन सब्जेक्ट आप सरलता से पढ़ लेते हैं तो इसीलिए एक प्रकार से मैं हर एक सब्जेक्ट को अपनी भाषा में आपकी भाषा में सरल भाषा में बताने का प्रयास करता हूं ताकि हर व्यक्ति एक प्रकार से चीज़ों को जान पाए और समझ पाए तो ये मूल्यांकन की दूसरी विशेषता तीसरी विशेषता यह है कि छात्रों का वर्गीकरण करने में सहायता मिलती मूल्यांकन से यानी छात्र एक प्रकार से किस कैटेगरी का है या किस कैटेगरी में उसको डिसाइड मतलब बैठाना है चूँकि कई छात्र जो होते हैं पढ़ने में बड़े तेज होते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था जो छात्र कमजोर होते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था जो मध्यम होते हैं एवरेज होते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था पढ़ने की करनी चाहिए तो इसको यानी छात्रों को वर्गीकरण करने में भी सहायता मिलती है किससे मूल्यांकन से इसके अलावा छात्रों को आत्म मूल्यांकन का अवसर भी यहाँ पर मिलता है किसका मूल्यांकन आत्म मूल्यांकन जब बच्चों का मूल्यांकन होता है बच्चों की परीक्षा होती है उसके दौरान बच्चे एक प्रकार से यह जान पाते हैं कि हम कितने पानी में हैं हमारा एक प्रकार से क्या स्तर है हम एक प्रकार से कहाँ तक सफल हैं हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक प्रकार से पढ़ने का क्या परिणाम मिला ठीक है हमारा हमारी योग्यता क्या है जैसे एग्जाम वगैरह जो होते हैं वो यही डिसाइड करने के लिए होते हैं इसके अलावा व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता मिलती है व्यक्तिक भिन्नता मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति चूंकि अलग अलग बुद्धि का अलग अलग कैपेसिटी का अलग अलग योग्यता का ठीक है अलग अलग व्यक्ति एक प्रकार से अलग अलग बच्चे अलग अलग कैपेसिटी अलग अलग योग्यता को धारण करने वाले होते हैं हर व्यक्ति में आपस में अलग अलग टाइप की भिन्नता होती है उन्हीं अच्छा समान योग्यता वाले बच्चों को एक कैटेगरी में रख करके उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम की व्यवस्था करी जाती है जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं वो अल्प बुद्धि होते हैं कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो उच्च बुद्धि की होते है। तो उच्च बुद्धि के लिए अलग पाठ्यक्रम मंद बुद्धि के लिए अलग पाठ्यक्रम एवरेज के लिए अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था करें ताकि सारे बच्चे एक प्रकार से जो निम्न बच्चे हैं या जो एक प्रकार से अल्प बुद्धि वाले हैं उनके लिए एक प्रकार से एक अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था कर दें ताकि एक प्रकार से वो बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में एवरेज के बच्चों के बराबर आ जाए ठीक है और जो बच्चे तीव्र गति से पढ़ रहे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था कर दी जाए ताकि वो और आगे बढ़ सके ठीक है इस तरीके की चीजें की जाए इसके अलावा उद्देश्यों का निर्धारण करना छात्रों के पूर्व ज्ञान के विषय में पता लगाना कि भाई छात्र पहले क्या पढ़ चुका है क्या नहीं पढ़ चुका है इसके लिए जैसे कि जब आप देखते हैं आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाने के लिए जैसे कि आप बी एच यू में एडमिशन पाना चाहते हैं या जे एन यू में डी यू में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो इन सभी में एडमिशन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है आपको सी यू ई टी की परीक्षा देनी पड़ती है पहले यूनिवर्सिटीज़ खुद ही परीक्षा करवाती थी लेकिन अब क्या है सी यू ई टी की परीक्षा होती है ठीक है यू जी सी मतलब कि एक प्रकार से मतलब कि ये सी यू टी की जो परीक्षा होती है ये एन ही करवाती है तो ये परीक्षा जो होती है ये एक प्रकार से ये जांचती है कि बच्चा एक प्रकार से कितना पढ़ा लिखा है पहले से प्रवेश परीक्षा करवाने से पहले कि भाई आप एडमिशन पाने लायक हैं कि नहीं हैं इसलिए एक प्रकार से आपका टेस्ट लिया जाता है तो आपका पूर्व ज्ञान के लिए के विषय में पता लगाने के लिए ही ये मूल्यांकन किया जाता है और आपका उद्देश्य क्या उसको निर्धारण करना अधिगम की क्रियाओं की व्यवस्था करना अधिगम माने होता है सीखने की जो क्रियाएं होती हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए भी ज़रूरी होता है मूल्यांकन इसके अलावा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है यानी जो एक प्रकार से पाठ्यक्रम हमने पढ़ाया वो पाठ्यक्रम बच्चे जान पाए कि नहीं जान पाए या जिन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर के हमने एक प्रकार से एक साल बच्चे को पढ़ाया क्या वह उद्देश्य हमारा पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ इस बात को जानकारी हमको मूल्यांकन के माध्यम से ही मिलती है ठीक है इन सभी विषय में जानकारी शिक्षक को मूल्यांकन से ही होती है इसलिए मूल्यांकन एक प्रकार से यह बहुत जरूरी है इसकी क्वालिटी बहुत एक प्रकार से होती है यानी मूल्यांकन जो होता है कहीं ना कहीं पे बहुत ही उपयोगी होता है हर एक दृष्टिकोण से अगर देखें ठीक है आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं अगला क्वेश्चन आ चुका है सभी लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन से फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे मापन और परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए मापन और परीक्षण में क्या अंतर वैसे आज क्या है आज कौन सा त्यौहार है भाई आज एक त्यौहार है वो त्यौहार है भाई क्या कृष्ण जन्माष्टमी है ठीक है आप सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे होंगे ठीक है हालांकि मैं क्लास ले रहा हूँ चलिए तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई ठीक है भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में खुशियाँ भर दें और आप हमेशा खुशी रहें का जो विद्यार्थी जीवन है वो एक प्रकार से उच्च स्तर तक जाए आपको सरकारी नौकरी दे भगवान ठीक है क्योंकि क्या होता है कि आप कितना भी मेहनत कर लें थोड़ा बहुत तो एक प्रकार से ऊपरी अंश रहता ही है अब ये बात एक प्रकार से जो बहुत लोग हैं नहीं मानते हैं मेरे हिसाब से भाई देखे आपके पूर्वज आपके जो देवी देवता होते हैं उनका एक प्रकार से आशीर्वाद आपके साथ जब होता है तो एक प्रकार से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ठीक है तो ये कॉन्फिडेंस एक प्रकार से आपको आपके माता पिता और आपके एक प्रकार से जो गुरुजन होते हैं आपके जो जो है एक प्रकार से भगवान होते हैं उनके द्वारा मिलता है मापन और परीक्षण में क्या अंतर मापन माने होता है एक प्रकार से मेजरमेंट uh, और परीक्षण का मतलब क्या होता है टेस्ट ठीक है देखें मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है कोई भी सामान्य प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए मापन का या मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है जैसे कि मान लेते हैं ये चीनी कितनी है ये चीनी कितनी है तो आप उस चीनी को मापेंगे ये चीनी तीन किलो है आपने माप करके बता दिया तो एक सामान्य प्रश्न का उत्तर जबकि परीक्षण जो होता है परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है व्यक्ति विषय यानी कि मान लेते हैं मूल्यांकन करना है मतलब कि परीक्षण करना तो किसी बच्चे का टेस्ट लिया टेस्ट लेने के बाद में फिर उसका इंटरव्यू लिया परीक्षण तभी वो होत पूरा होता है जब एक प्रकार से उसके उसके बारे में व्यक्ति के बारे में आप पूरा डीपली जान जाएँ ठीक है तो ये होता है मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है ठीक है जबकि परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है परीक्षण जो होता है किसी विशेष एरिया में किसी विशेष व्यक्ति पर किसी विशेष यानी कि एक बोल सकते हैं कि एक केस स्टडी टाइप का होता है परीक्षण अगला क्वेश्चन से इसमें मतलब अगला पॉइंट है मापन में क्या होता है कि इसमें वस्तुओं को नियम के अनुसार संख्यात्मक रूप प्रदान कर, करके परिभाषित किया जाता है ठीक है इसमें किस में मापन में यानी मापन में एक किलो दो किलो तीन किलो एक लीटर दो लीटर या एक किलोमीटर दो किलोमीटर इस तरीके से संख्यात्मक रूप प्रदान करके परिभाषित करते हैं उसको और नियम के अनुसार वो संख्यात्मक मान होता है मापन में जबकि परीक्षण में क्या होता है इसमें विभिन्न प्रकार के पदों को मानवीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है ठीक है तो ये टेस्ट होता है और चौथा अंतर ये है महोदय कि इसका संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है यानी कि जो फिजिकल एक प्रकार से क्वालिटी होती है उन्हीं के बारे में डिसाइड करता है थीके थीके ये ठीक है मापन ठीक है ये आप भौतिक चीज़ों के बारे में यानी कि इमोशंस या एक प्रकार से ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं पड़ती जो महसूस की जाती हैं उनका एक प्रकार से मापन नहीं करता है ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे इसका संबंध मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है यानी कि आपका मेंटल और आपका एक प्रकार साइकोलॉजिकल जो क्वालिटी होती है उसका मतलब इसको मापने का काम टेस्ट करता है यानी कि टेस्ट जो होता है इंटरव्यू के माध्यम से साक्षात्कार के माध्यम से आपके एक प्रकार सोचने के तौर तरीके आपका मेंटल लेवल क्या है आपके आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है ये सब ये ये सब जानने का प्रयास करता है लेकिन ये एक प्रकार से जो मापन होता है आपके भौतिक गुड़ों का ही एक प्रकार से डिसाइड करता है कि आप कितने लंबे चौड़े हैं कितने फुट के हैं कितनी सेंटीमीटर आपका सीना है ऐसे कि आप देखते हैं जब इंटरव्यू पुलिस वगैरह में क्या होता है मापन किया जाता है आपका कि कितना छाती कितनी है ठीक है छाती कितनी चौड़ी है आपकी हाइट कितनी है ये सब एक प्रकार से डिसाइड होता है क्लियर और इसमें आपकी मानसिक योग्यता और मनोवैज्ञानिक जो क्वालिटी होती है इसको मापा जाता है इसमें ठीक है टेस्ट में जैसे कि आपकी जो परीक्षा पुलिस की परीक्षा भी हो रही है अब पुलिस की परीक्षा हो रही है वो क्या है टेस्ट है तो उसमें मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुण आपकी जांचे जा रहे हैं यानी कि यहाँ पर आपको जो आपका तर्क शक्ति है यानी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे मैथ आएंगे आपको एक घंटे में उसको हल करना होगा जो है जो है हिंदी आएगा ये सब आपको हल करना ठीक है इसका क्या होता है इसका संबंध केवल भौतिक गुणों से है ये एक प्रकार से जब आप जाएंगे तो आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो एक प्रकार से यहाँ पर दिखाई पड़ेगा ठीक है परीक्षा के बाद में आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फटाफट से आप देखेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं सतत माने होता है सस्टेनेबल मूल्यांकन हमेशा एक प्रकार से मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती रहती है देखिए सतत मूल्यांकन से ऐसे नियमित और निरंतर होने वाले मूल्यांकन से यानी लगातार और एक प्रकार से एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया से एक प्रकार से मूल्यांकन का तात्पर्य होता है सतत शब्द का प्रयोग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के संपूर्ण समन्वित आकलन के लिए किया जाता है यानी कि इसमें सतत माने सस्टेनेबल यानी कि एक प्रकार से बहुत ही जबरदस्त तरीके से संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया इन सभी को ध्यान में रख करके आकलन मूल्यांकन किया जाता है उसी को सतत मूल्यांकन कहते हैं शिक्षा की प्रक्रिया विद्यार्थी के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है और यही सतत मूल्यांकन में भी होना चाहिए ठीक है व्यापक मूल्यांकन जो होता है व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जो विद्यार्थी के ज्ञानात्मक भावात्मक यानी कि उसके जो नॉलेजेबल है या जिसको इमोशनल चीज़ें हैं या संज्ञानात्मक चीज़ें हैं ठीक है उन सभी पक्षों का संपूर्ण और व्यापक आकलन करता है तो विद्यार्थी कितना ज्ञानी हुआ कितना उसका इमोशन डेवलप हुआ कितनी उसकी संज्ञानात्मक जानकारी हुई कितना ज्ञान हुआ उसके पास उन सभी पक्षों का एक प्रकार संपूर्ण और व्यापक आकलन करने के लिए व्यापक मूल्यांकन होता है जबकि एक प्रकार से इसका एक प्रकार से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के संपूर्ण समन्वित आकलन के लिए एक प्रकार से जो है सतत मूल्यांकन किया जाता है और ये निरंतर आगे की ओर बढ़ती रहती वाली प्रक्रिया होती है तो सतत

व्यक्तित्व परीक्षण की अगर बात की जाए इसका क्या इंपॉर्टेंस है व्यक्तित्व परीक्षण क्या होता है यानी कि व्यक्ति के क्वालिटी के बारे में उसकी क्वांटिटी के बारे में व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है पर्सनालिटी को जांचा परखा जाता है वही व्यक्तित्व परीक्षण होता है व्यक्तित्व परीक्षण की कई विधियाँ हमारे समक्ष आती हैं जानने में व्यक्तित्व परीक्षण की अगर बात की जाए तो व्यक्तित्व परीक्षणों की दिशा में मनोवैज्ञानिकों ने जो कार्य किए हैं उनके फलस्वरूप व्यक्तित्व को मापने की कई महत्वपूर्ण विधियों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है व्यक्तित्व मापन की आवश्यकता जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में होती है क्योंकि जो है विभिन्न कार्यक्षेत्र जो जीवन के होते हैं उनमें जरूरी होता है व्यक्तित्व का मापन करना क्योंकि व्यक्तित्व का मापन अगर व्यक्ति का हो जाएगा तो वो किस कार्य के लिए उपयोगी है इसका पता चल जाता है व्यक्तित्व परीक्षणों का उपयोग छात्रों सैनिकों विभिन्न सेवाओं में कर्मचारियों के चुनाव में किया जाता है ठीक है छात्रों का चाहे सैनिक में भर्ती हो चाहे विभिन्न सेवाओं के कर्मचारी अधिकारी के पद पर होना हो उनमें मानसिक रोगों के मतलब कि इन सभी का चुनाव में जरूरी होता है एक प्रकार से क्या हो कि व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाए मानसिक रोगों के उपचार तथा व्यक्तित्व व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान एवं उपचार के लिए किया जाता है इसका प्रयोग ठीक है इन परीक्षणों की सहायता से व्यक्ति की रुचियों का जानकारी मिलती है व्यक्ति की एक प्रकार से क्या इंटरेस्ट है किसमें इंटरेस्टेड है किसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्या उसकी प्रवृत्तियाँ कैसी हैं उसकी इच्छाएँ कैसी डिज़ायर क्या हैं उसकी नीड्स क्या है व्यक्ति की आवश्यकता क्या है उसके स्वाभाविक गुण क्या हैं उसकी क्वालिटी क्या है उसकी आंतरिक मनोदशा क्या है यानी कि उसका एक प्रकार से जो मेंटल लेवल है वो कितना है सामाजिक स्तर क्या है व्यक्तिगत उसके संबंध क्या है किसी व्यक्ति से किस तरीके के संबंध बना पाता है बातचीत करने की शैली कैसी है उठने बैठने का तौर तरीका कैसा है ये सब एक प्रकार से जान पाते हैं व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा ठीक है प्राप्त करके इन सभी जानकारी को व्यक्तिगत निर्देशन व्यक्तिगत निर्देशन सरलतापूर्वक दिया जा सकता है कि भाई जब उनके बारे में उसकी सभी चीज़ों के बारे में व्यक्ति की रुचियों के बारे में अरुचियों के बारे में प्रवृत्तियों के बारे में इच्छाओं के बारे में आवश्यकताओं के बारे में स्वाभाविक गुणों के बारे में आंतरिक मनोदशा के बारे में सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तब आप यह बता पाएंगे कि भाई आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है कौन सही है कौन नहीं सही है कौन अच्छा है कौन बुरा है आपके लिए ये चीज़ आप डिसाइड कर पाएंगे जब आप उसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे ठीक है तो व्यक्तित्व परीक्षण में उसके तमाम प्रकार के मुद्दों के बारे में हम चर्चा करते है। है। तो हैं शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व परीक्षण का क्या महत्व होता है शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व परीक्षण का महत्व एक प्रकार से बड़ा ज़बरदस्त होता है के तो 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 शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व परीक्षण का महत्व शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अधिक होता है शिक्षार्थी मतलब जो स्टूडेंट है उसके व्यक्तित्व विकास पर विद्यालय जीवन का गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व का यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है किसी बच्चे की और उसके विद्यालय में जो चीज़ें होती हैं उसको बच्चा देखता है और उसी को सीखता है यानी विद्यालय जीवन का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व विकास पर यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर अतः उनके व्यक्तित्व की जांच करके ही व्यक्तिक भिन्नताओं के अनुसार पाठ्यक्रम पाठन विधि और परीक्षण विधि की व्यवस्था करनी चाहिए यानी कि बच्चे को एक प्रकार से ऐसा नहीं कि कोई पाठ्यक्रम बना दिया गया और वही पाठ्यक्रम दस बीस वर्षों तक चल रहा है ऐसा बिल्कुल गलत होगा जैसे जब भी बच्चे की एक प्रकार से योग्यता के बारे में आप जानें बच्चे की क्वालिटी मतलब सभी के बारे में बच्चे के बारे में पढ़ लें कि बच्चा किस प्रकार का एक प्रकार से है तो व्यक्तिक भिन्नता का पता लगा लें कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का है उसके लिए अलग अलग सिलेबस की व्यवस्था कर दी जाए पाठ्यक्रम उसी के अकॉर्डिंग बने पाठन विधि यानी किस विधि का प्रयोग करके कौन से मेथड से उसको पढ़ाना है परीक्षण विधि क्या होती है उसकी टेस्ट कैसे लिया जाना है ये सब एक प्रकार से डिसाइड करना चाहिए एक प्रकार से ये बात ध्यान रखेंगे शिक्षक शिक्षार्थी यानी कि जो टीचर होते हैं स्टूडेंट के व्यक्तित्व का अध्ययन करके ही उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता प्रदान करता है यानी कि एक टीचर जो होता है पहले बच्चे के बारे में जानता है बच्चे की पर्सनालिटी को समझता है और बच्चे की पर्सनालिटी को समझने के बाद में वो बच्चे की पर्सनालिटी में क्या एक प्रकार से आगे या उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके से और आगे बढ़े या उसकी पर्सनैलिटी डेवलप कैसे हो इसके बारे में तभी जान पाएगा या बता पाएगा जब उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पहले से जानकार होगा पहले से जानेगा इन परीक्षणों के आधार पर ही विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं को जैसे कि जो मानसिक अस्वस्थता कभी कभी बच्चों में आ जाती है उसके बारे में कभी कभी बच्चे पिछड़ जाते हैं अपने क्लास में या वो कम तेज़ रह पाते पढ़ने में उसके बारे में अनुशासनहीनता के बारे में एक प्रकार से आप जान पाते हैं कि बच्चे अनुशासनहीनता क्यों करते हैं बच्चे टीचर की बातों को क्यों नहीं सुनते हैं बच्चे पिछड़ क्यों जाते हैं बच्चे उनकी जो मानसिक योग्यता है वो कम क्यों रह रही है इसके बारे में आप जान पाते हैं और बच्चा बच्चा तेज़ क्यों हो रहा है इसके बारे में भी आप जान पाते हैं तो इन सभी कारणों का पता

आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है फटाफट भट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है सभी दोस्त एक बार वीडियो को शेयर करते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक है प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे प्रश्न अगला है बुद्धि के प्रकारों का वर्णन कीजिए यानी बुद्धि के प्रकार बताएं बुद्धि यानी इंटेलिजेंस बुद्धि कई प्रकार की होती है बुद्धि क्या होती है बुद्धि की अगर बात की इंटेलिजेंस को बुद्धि कहते हैं ठीक है बुद्धि एक एक प्रक्रिया होती है ठीक है हर व्यक्ति एक प्रकार से बुद्धिमान नहीं होता है कुछ व्यक्ति ही बुद्धिमान होते हैं बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापने के तरीकों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा हालांकि बुद्धि के प्रकार की अगर बात की जाए तो ई एल थॉर्डाइक महोदय थॉर्नडाइक महोदय बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में या बुद्धि के बारे में बहुत ज़बरदस्त व्याख्या करते हैं बुद्धि की थॉर्डाइक महोदय थॉर्डाइक ने बुद्धि के तीन प्रकार बताए हैं जो इस प्रकार है पहली बुद्धि होती है सामाजिक बुद्धि सोशल इंटेलिजेंस दूसरी होती अमूर्त बुद्धि और तीसरी होती मूर्त बुद्धि इन तीनों का विवरण इस प्रकार है समझते हैं भाई देखिए बुद्धि लब्धि एक होती उसको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं बुद्धि लब्धि जैसे कि मान लेते हैं देखिए इसको समझने का प्रयास करें जैसे बुद्धि लब्धि क्या होती है इसको समझें अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं एक मिनट चले एक होता है बुद्धि लब्धि ठीक है क्या होती है बुद्धि बुद्धि लब्धि इसी को क्या कहते हैं आई क्यू लेबल कहते हैं क्या कहते है? आई -क्य। हैं आई क्यू कहते हैं आई क्यू का मतलब क्या होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन ठीक है अब ये एक प्रकार से जान ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन बुद्धि लब्धि यानी कोई व्यक्ति प्रकार से कितना बुद्धिमान है इसी को मापने का एक तरीका होता है बुद्धि लब्धि ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे क्या होता है ये बुद्धि को मापने का एक तरीका होता है क्या बुद्धि लब्धि ठीक है बुद्धि लब्धि की अगर बात किया जाए महोदय तो ये बुद्धि लब्धि जो होती है ये एक प्रकार से बहुत ही उपयोगी होती है ठीक है जैसे बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुड़े हंड्रेड ये इसका सूत्र होता है क्या होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन बराबर या बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुड़े सौ अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझाओ मान लेते हैं कोई बच्चा है कोई स्टूडेंट है ठीक है कोई बच्चा है उसकी एक प्रकार से वो एक प्रकार से कितने साल का कोई बच्चा है वो महोदय कितने साल का है कोई बच्चा है वो वो एक प्रकार से है वो दस साल का दस साल का वास्तव में वो दस साल का है लेकिन उसकी मतलब वो काम कैसे कर रहा है यानी वास्तविक आयु उसकी क्या है ये वास्तविक आयु हो गई चूँकि वो दस साल का है इसकी वो ये क्या हो गई वास्तविक आयु हो गई दस साल वो बच्चा एक प्रकार से व्यवहार कैसा कर रहा है उसका व्यवहार जो है वो एक प्रकार से कितने साल के बच्चों कैसा है पंद्रह साल के बच्चों ऐसा व्यवहार कर रहा है या मान लेते हैं वो एक प्रकार से बच्चा जो है वो कितने साल का व्यवहार कर रहा है भाई वो पंद्रह साल पंद्रह साल ही मान लें या एक प्रकार से हाँ पंद्रह साल के बच्चों ऐसा पंद्रह साल के बच्चों जैसा वो व्यवहार कर रहा है ठीक है यानी कि उसकी मानसिक आयु क्या हो जाएगी यानी कि एक प्रकार से बच्चा है दस ही साल का लेकिन एक प्रकार से उसका जो मेंटल लेवल है वो एक प्रकार से पंद्रह साल के बच्चों के जैसा है यानी पंद्रह साल का एक बच्चा जैसा सोचता है जैसा उसके अंदर ज्ञान डेवलप होता है जिस तरीके से अधिगम करता है वो उस जैसा व्यवहार करता है ठीक है अब इसमें एक प्रकार से क्या होता है दस साल का कोई बच्चा है वास्तव में यानी उसकी वास्तविक आयु दस साल है लेकिन वह बच्चा व्यवहार कैसा कर रहा है वह बच्चा व्यवहार कर रहा है महोदय किस तरीके का वह बच्चा व्यवहार कर रहा है पंद्रह साल के बच्चों जैसा किस तरीके से पंद्रह साल के बच्चों जैसा यानी उसकी मानसिक आयु ये है अब सूत्र पर इसको रख दो भाई सूत्र पर मैंने रखा कि मानसिक आयु कितनी है पंद्रह साल पंद्रह मैंने यहाँ पर रख दिया पंद्रह साल मानसिक आयु वास्तविक आयु उस बच्चे कितनी है दस साल यानी दस साल नीचे रख दिया गुणा कर दिया कितना हंड्रेड से कर दिया गुड़ा भाई जीरो से क्या हो गया जीरो कट गया दस से गुड़ा कर दो कितना हो जाएगा एक सौ पचास यानी उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या निकला आई क्यू लेवल कितना निकला वन फिफ्टी मतलब कि वन फिफ्टी निकला यानी कि एक सौ पचास निकला एक सौ पचास बुद्धि लब्धि होती है एक प्रकार से बहुत ही ब्रिलियंट बच्चों की बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे यानी ऐसे बच्चे जो एकदम से चीड़ फाड़ दें किताब उताब चीट दे फाड़ दे मतलब समझ रहे हो ना एक से सिलेबस दिखाओ दो दिन में सिलेबस ख़त्म तहलका मचा देने वाले बच्चे वो बच्चे जो टीचर से एक प्रकार से तार तर्क कर देते हैं टीचर एकदम तो से घबरा जाते हैं कि भाई ये कौन सा बच्चा का जिज्ञासु पिपासु टाइप का एकदम तो से निचोड़ ले ज्ञान को क्या जानता है टीचर टीचर सब खींच लियो इसे चुंबक लगा के कैसे टीचर कैसे खींच लियो वो बच्चा एक सौ पचास बुद्धि लब्धि अगर मान ली थे कि यही बच्चा जो होता अगर देखो अस्सी से जो नब्बे या नब्बे से लेकर के एक सौ दस के बीच की जो बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चे कहे जाते हैं ठीक है उनकी बुद्धिलब्धि क्या समान है लेकिन अगर एक प्रकार नब्बे से कम अगर एक प्रकार से किसी का है नब्बे से कम है तो एक प्रकार से वो मूर्ख कहे जाते हैं ठीक है उससे भी कम आप देखते हैं साठ वगैरह से पचास साठ के आसपास अगर बुद्धिलब्धि है किसी बच्चे की निकलती है तो एक प्रकार से वो समझो एकदम से डल है एकदम से मूढ़ व्यक्ति है अब इसको थोड़ा सा और उदाहरण के माध्यम से अगर मैं समझाऊँ अगर मान लेते हैं ओ मिनट चले अब मान लेते हैं कोई बच्चा है वो एक प्रकार से 20 साल का बच्चा है ठीक है 20 साल की वास्तविक आयु है और वो वो एक प्रकार से कितने साल के 15 साल के बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है ठीक है कितने साल 15 साल बच्चों ऐसा व्यवहार कर रहा है और है 20 साल का यानी कि उसकी एक प्रकार से वास्तविक आयु कितनी है वास्तविक आयु जो है एक प्रकार से वो इतनी है ठीक है और इसकी मानसिक आयु कितनी है यानी पंद्रह साल के बच्चों ऐसा व्यवहार कर रहा है और है साल मतलब कि है वो बीस साल का है बीस साल का और व्यवहार कैसा कर रहा है पंद्रह साल के बच्चों जैसा रख दो सूत्र पर भैया इसको निकालेंगे तो मानसिक आयु कितनी है मतलब पहले वास्तविक आयु बीस साल वास्तविक आयु है पंद्रह साल की मानसिक आयु है गुड़े हंड्रेड कर दो निकाल लो भैया इसको देखें देखें देखे, इसको काटें भाई कितना हो जाएगा तीन पच्चे पंद्रह और पाँच चौको बीस ठीक है और तीन से इसको काटेंगे तो तैंतीस पॉइंट तीन तीन आएगा और इसी गुड़ा कर दो चार से ठीक है चार तें बारह एक दो हाँसी लाई एक चार तेई बारह एक तेरह के तीन हासिल आई एक चार तेई बारह 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 एक कितना होता है तेरह के तीन हासिल आई एक और चार बारह बारह एक तेरा ठीक है हाँ एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तीस तेनबे हाँ बिल्कुल ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है एक मिनट रुके थोड़ा सा उसमें कर दे ताकि क्लियर हो जाए देखिए एक मिनट में जैसे मान लेते वो बच्चा है कितने साल का दस साल का कोई बच्चा है उसकी वास्तविक आयु कितनी है दस साल ठीक है वो बच्चा पाँच साल जैसे व्यवहार कर रहा है ठीक है मानसिक आयु उसकी कितनी है तो एक प्रकार से क्या होता है इसका सूत्र क्या होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक तो मानसिक आयु ऊपर रखेंगे वास्तविक आयु नीचे रखेंगे गुड़े हंड्रेड कर देंगे ठीक है निकाल लो इसका ठीक है दस पच्चे पचास बिल्कुल यही यानी कि वास्तविक आयु जो होती है वो नीचे रहेगी और मानसिक आयु ऊपर रहेगी अब इसको कैसे काटेंगे देखिए समझ रहे हैं ना चीज़ों को बिल्कुल तो कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा है बच्चा पाँच साल जैसा व्यवहार कर रहा है हाय वो दस साल का ठीक है हाय दस साल का व्यवहार कर रहा है पाँच साल बच्चों जैसा तो एक प्रकार से क्या पचास उसकी बुद्धि लब्धि निकल रही है यानी कि एक प्रकार से बच्चा एकदम से मूर्ख है डल है यानी पचास से साठ भी निकलता है तो भी एक प्रकार से पचास से नीचे या नब्बे से नीचे निकलता है तो बच्चा एक प्रकार से वो पिछड़ा हुआ बच्चा है एक प्रकार से उसकी बुद्धि लब्धि बहुत ही वीक है ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे तो बुद्धि क्या होती है सामाजिक बुद्धि समझ लेते हैं भाई सामाजिक बुद्धि सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है यानी एक प्रकार से समाज क्या होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किस तरीके से समझता है उसके बारे में क्या सोचता है ठीक है क्या समझता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता से दिखाता है ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है वो सामाजिक बुद्धि के या सामाजिक प्रतिभा के धनी व्यक्ति होते हैं समाज में इनकी प्रतिष्ठा काफ़ी होती है समाज के लोग इनको एक प्रकार से बहुत रिस्पेक्ट देते हैं इनमें सामाजिक कौशलता का काफ़ी अच्छी होती है और यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति एक अच्छे नेता बन जाते हैं यानी कि सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति ही नेता बनते चूँकि उनमें एक प्रकार से सामाजिक संबंध बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है समाज में एक प्रकार से जब बैठते तो चार पाँच आदमी उनके आसपास बैठे रहते हैं उनकी बातों को सुनने के लिए ठीक है चूँकि उनके अंदर सामाजिक बुद्धि तो सामाजिक बुद्धि एक होती ये दूसरी बुद्धि होती है अमूर्त बुद्धि यानी ऐसी बुद्धि जो दिखती नहीं है अमूर्त चिंतन से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक या गणितीय संकेतों और चिन्हों के संबंधों को आसानी से समझ जाता है तथा उसकी उचित व्याख्या कर पाता है ऐसा व्यक्ति जिनमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है एक सफल कलाकार होता है अमूर्त बुद्धि अमूर्त बुद्धि मतलब वैसी बुद्धि जो दिखाई ना पड़े या एक प्रकार से एक प्रकार से जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो जैसे कलाकार पेंटर और गणतज्ञ जो होते हैं उनके अंदर ऐसी बुद्धि छुपी हुई होती है तो अमूर्त बुद्धि व्यक्ति वाला कलाकार पेंटर गर्तज्ञ ये बनता है और जो सामाजिक बुद्धि वाला होता है वो एक अच्छा नेता बनता है ठीक है ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं अगला पॉइंट आप देखेंगे तीसरी होती है भैया कौन सी बुद्धि मूर्त बुद्धि मूर्त बुद्धि की अगर बात की तो मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वो ऐसी मानसिकता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा तो उस उसका ठीक ढंग से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में परिचालन करना सीखता है इस तरह की बुद्धि की ज़रूरत जैसे व्यापार में पड़ती है भिन्न भिन्न तरह के व्यवसायों में पड़ती है अधिकतर खास करके ऐसे एरिया में ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं एक सफल व्यापारी बन सकते हैं ठीक है जो जिनमें अमूर्त बुद्धि होती है वो एक कलाकार पेंटर गर्तज्ञ बन सकते हैं जिनमें एक प्रकार से मूर्त बुद्धि होती है यानी कि जो ऐसी बुद्धि ठोस चीज़ों को बनाने में उपयोगी होते हैं एक सफल व्यापारी बन सकते हैं ठीक है इस तरह से स्पष्ट है और जो एक प्रकार से सामाजिक बुद्धि होती है वो नेता बनते हैं इस तरह से स्पष्ट है कि बुद्धि के मुख्य तीन प्रकार हैं इन प्रकारों के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं है ऐसा नहीं है कि जिसमें सामाजिक बुद्धि अधिक होती है उसमें मूर्त बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि कम होती है मूर्त बुद्धि अधिक होगी तो अमूर्त बुद्धि तथा सामाजिक बुद्धि कम होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पर ये समझें कि ये हो सकता है कि मूर्त बुद्धि भी हो किसी व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि भी हो और अमूर्त बुद्धि भी हो ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं कि एक बुद्धि है तो दूसरी बुद्धि नहीं होगी ठीक है आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि बुद्धि और ज्ञान में क्या डिफरेंस होता है बताइएगा सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे बुद्धि और ज्ञान में क्या डिफरेंस होता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है कि बुद्धि और ज्ञान में क्या डिफरेंस होता है भाई समझें देखिए बुद्धि और ज्ञान इंटेलिजेंस और जो है नॉलेज इसमें क्या डिफरेंस होता है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि और ज्ञान में कई अंतर हैं पहला अंतर यह है कि बुद्धि जो होती है वो ये वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त एक जन्मजात शक्ति होती है यानी बुद्धि जो होती है व्यक्ति बुद्धिमान शुरू से ही होता है यानी बुद्धि में अनुवांशिकता का बड़ा रोल होता है ठीक है जबकि जो ज्ञान होता है वो अर्जित शक्ति होती है यानी कि बुद्धि प्रदत्त होती है और वंशानुक्रम पर डिपेंड होती है आधारित होती है बुद्धिमान एक प्रकार से व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं पे वंशानुक्रम से प्रभावित होता है बुद्धि मिलती है ठीक है जबकि ज्ञान जो होता है वो आपको अर्जित करना पड़ता है आपको खुद ही स्वतः पढ़ना पड़ता है जानकारी लेनी पड़ती है अधिगम के माध्यम से आप ज्ञान अर्जन करते हैं ज्ञान अर्जन वातावरण से होता में होता है ठीक है और बुद्धि वंशानुक्रम के द्वारा प्रदान होती सॉरी ठीक है दूसरी बात बुद्धि स्थिर होती है ज्ञान अर्जित करने से बढ़ता है यानी बुद्धि जो होती है वो एक प्रकार से वो स्थिर होती है वो घटती बढ़ती ज़्यादा नहीं है ठीक है बुद्धि क्या होती है घटती बढ़ती नहीं है बुद्धि ज्ञान मतलब जब कि जबकि ज्ञान बढ़ सकता है यानी ज्ञान आप जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना ही आप ज्ञानी होते जाएंगे लेकिन बुद्धि जो होती है वो स्थिर रहती है ये बात आप ध्यान रखेंगे अगला एक प्रकार से अंतर यह है बुद्धिमानों ने कहा मनोवैज्ञानिकों ने कि अधिक बुद्धि से ज्ञान का विकास होता है अगर व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होता तो उसके उससे क्या होता है अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति में ज्ञान का विकास एक प्रकार से ज़्यादा होता है किंतु अधिक ज्ञान से अगर आपके पास अधिक ज्ञान हो जाएगा तो बुद्धि का विकास नहीं हो सकता यानी आप सोचें कि हम बहुत ज्ञानी हैं तो हम बहुत बुद्धिमान भी होंगे ऐसा नहीं है बुद्धि बुद्धि एक प्रकार से ये अनुवांशिक होती है ठीक है ये वातावरण से नहीं प्रभावित होती घटती बढ़ती नहीं है बुद्धि ठीक है जबकि एक प्रकार से आप ये सोचें कि हम बहुत बुद्धिमान हैं तो एक प्रकार से जो है ये हम बुद्धि अपने बढ़ा घटा लेंगे तो ऐसा नहीं होता है बुद्धि एक प्रकार से घटती बढ़ती नहीं है ज्ञान घटता बढ़ता है अगर आप बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ज्ञानी है तो ये मत सोचें हम बहुत बड़े बुद्धिमान भी हैं आप बहुत बुद्धिमान हैं ये डिसाइड करेगा कि आप ज्ञानी भी बहुत मात्रा में हो सकते हैं लेकिन आप बहुत ज्ञानी हैं इससे यह नहीं सोचिएगा कि हम बुद्धिमान बहुत हो जाएंगे ठीक है ये अंतर चौथा अंतर यह है कि एक व्यक्ति विद्वान हो सकता है किंतु आवश्यक नहीं है कि वह बुद्धिमान भी हो आप ज्ञानी हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप विद्वान भी हैं आप मतलब एक प्रकार से बुद्धिमान भी हैं तो आप ज्ञानी हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बुद्धिमान भी हैं इसी प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वह विद्वान भी होगा हो सकता है जो व्यक्ति बुद्धिमान हो वह अनपढ़ हो वो ज्ञानी ही ना हो ठीक है ये बात यानी कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत बुद्धिमान होता है इसके अलावा बहुत सी बातों को जानना ज्ञान होता है आप बहुत सारी बातों को जान जाएं इधर उधर की बातों को आप तमाम प्रकार की जानकारी को अपने दिमाग में रखें वही ज्ञान होता है किंतु उनका उपयोग करना बुद्धि होता है ज्ञान का सही दिशा में और सटीक एक प्रकार से उपयोग करना उसका उपयोग करना ही बुद्धि होता है यानी बुद्धि के द्वारा ज्ञान का सटीक उपयोग किया जाता है ठीक है ये बात आप खूब पढ़ लिख लो किताबी कीड़ा हो जाओ लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग ना कर पाओ तो आप बुद्धिमान नहीं हो आप मूर्ख हो ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे मैं आपको नहीं कर रहा हूँ नहीं आप डिसलाइक करके भाग जाओ <laughs> नहीं आप सोचो कि गुरुदेव हमको जो है मूर्ख बोल रहे हैं ऐसा नहीं है भाई ठीक है वो कहने की आदत है आप आप तो बहुत सी बातों को जानना ज्ञान है किंतु उनका उपयोग करना बुद्धि होती है छठा अंतर ये कि मनोवैज्ञानिक रास नाम के एक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि बुद्धि जो होता है लक्ष्य है और उस सीमा तक पहुंचने का केवल एक साधन होता है ठीक है क्या कहा बुद्धि एक लक्ष्य और उस सीमा तक पहुँचने का केवल एक साधन होता है इसके अलावा मनोवैज्ञानिक बेलार्ड हैं उन्होंने कहा कि बुद्धि वह मानसिक योग्यता होती है जो कि ज्ञान रुचि और आदत रूपी साधनों से नापी जाती तो बुद्धि एक मानसिक योग्यता होती है जो ज्ञान रुचि और आदत इन्हीं तीनों साधनों से माप सकते हैं आप बुद्धि को इसके अलावा सांसारिक जीवन में सांसद जीवन में प्रयोग में लाए जाने लाए जाने योग्य ज्ञान या विचार ही बुद्धि होते हैं ये विचार एडम्स महोदय ने व्यक्त किए कि उन्होंने एडम्स महोदय ने क्या कहा जॉन एडम्स जो हैं बड़े अच्छे विद्वान उन्होंने कहा शिक्षा शास्त्री हैं इन्होंने कहा कि सांसारिक जीवन में जो हम ज्ञान प्रयोग करते हैं या विचार प्रयोग करते हैं वही ज्ञान या विचार जो हम सांसारिक जीवन में प्रयोग करते हैं वही ज्ञान या विचार बुद्धि होता है ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से एक प्रकार से आप लोगों ने शिक्षा शास्त्र पेपर वन से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा जो कि फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड था इसके अलावा समाज शास्त्र का पेपर वन का एक प्रकार से लेक्चर मैं ऑलरेडी दे दे चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा शिक्षा शास्त्र का एक प्रकार से मतलब कि शिक्षा शास्त्र पेपर वन हो चुका है और समाज शास्त्र का पेपर वन हो चुका है पॉलिटिकल साइंस का पेपर वन जियोग्राफी का पेपर वन होम साइंस का पेपर वन ये सब आने वाला जल्दी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसी प्रकार से और मॉडल पेपर और लगातार एक प्रकार से जो एक प्रकार से दो के जो चैप्टर वाइज वीडियोज हैं वो ऑलरेडी पढ़े हो तो आप उनको देखने लें प्ले में वो दो वाली प्ले जो बनी है उसी प्ले में आपको सारी वीडियोज़ ये भी इंक्लूड होती रहती तो आप देख लीजिएगा ठीक है धन्यवाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमें बना रखेंगे जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें हमेशा ठीक है